बद्रीनाथ धाम से सभी को सुबह की भूरी भूरी राम राम और जय श्री कृष्ण। तप्तकुंड पे स्नान करके आज सुबह सुबह दर्शन करने जाएंगे और इसके बाद एक हवन है महाराज जी के साथ और फिर निकलेंगे माना के लिए। सभी को लेकर कीर्तन करते हुए माना में आनंद लेंगे। ये देख लीजिए आप, तप्त कुंड है जहाँ ये प्रकृति का और भगवान जी का एक खेल कह लीजिए या उनकी ऊर्जा कह लीजिए या फिर आप चमत्कार कह सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक कहानी है, थोड़ी लंबी है, बाद में सुनाऊंगा। अग्निदेव जो है आकर यहाँ अलकनंदा जी में सम्मिलित हो गए थे तो ये अग्निकुंड यहाँ पर तब से है। पानी गर्म रहता है, पहले बहुत ज़्यादा गर्म लगता है लेकिन जब अंदर चले जाते हैं तो और बाहर निकलने का मन नहीं करता। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रस भर दो जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रस भर दो जहां देखूं दिखे तू मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रस भर दो जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रस भर दो जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रस भर दो जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम सभी गुनगुनाए भर दो जहां देखूं सभी प्रार्थना करें मुझे ऐसा वर दो। मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले, मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले, मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले, मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले। हरदम जिंदगी को तेरा सहारा मिले, हरदम जिंदगी को तेरा सहारा मिले। मेरे कृपा बिहारी ऐसी कृपा कर दो जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरे कृपा बिहारी ऐसी कृपा कर दो जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। अंदर का भाव वही जोड़े रखें, अंदर की चित्त वृत्तियों को झूमने दें, आह्लादित होने दें। इस प्रार्थना में अंदर की चित्त वृत्तियों का योग होने दें। योग चित्त वृत्ति निरोधा के भाव कैसे बखान करूं, तेरी कृपा का कैसे बखान करूं, तेरी कृपा का कैसे बखान करूं।
सब नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण वेद व्यास जी की। और ये ऊपर पर्वत जो है इसमें देखिए जैसे किताब के पन्ने होते हैं ना एक के ऊपर एक, ऐसी शेप है बिल्कुल पर्वत की जिसके ऊपर ध्वज लहरा रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर महाभारत लिखी गई, वेद व्यास जी ने सुनाई और गणेश जी द्वारा लिखी गई। जय बद्री विशाल। भीमपुल, यह है भीमशिला जो भीम ने रखी थी और फिर स्वर्गारोहिणी की तरफ आगे बढ़े थे पांडव। अभी कुछ साल पहले से क्या था कि इसको माना गांव को भारत का अंतिम गांव बताया जाता था, जबकि ऐसा नहीं है। हिमालय हमारा, हमारे देश का, हमारी धरती का शीर्ष है।
और उसके बाद सबसे प्रथम गांव ये पड़ता है, तो भारत का प्रथम गांव अब इसको कहने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदलाव लाया है। और सब चाय की दुकानों पे पहले भारत की अंतिम चाय की दुकान लिखा होता था, लेकिन अब सब जगह भारत की प्रथम दुकान है, क्योंकि अब ये भारत का प्रथम गांव है। और आपको भी मैंने दिखाई दिया है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, वह भीम पुल, भीमशिला भी जिसे कहा जाता है। ये अभी मैं भीमशिला पे ही खड़ा हुआ हूँ, प्रथम ग्राम माणा। फर्स्ट गांव अपने भारत का माना गांव हम घूम रहे और राजा लोग हमें मिले, मिलके बहुत खुशी हुई, हम बहुत खुश हुए। कहां से आए आप? गुजरात, तो वडोदरा, अहमदाबाद। वडोदरा से रूप रूप में भाव ये भर दो, सुख दुख मान अपमान सभी
Thank you.
क्या लगे तेरा, क्या लगे तेरा, क्या लगे तेरा, तेरा बोल बे तोरा मेरा से बोल बे, क्या लगे तेरा बोल बे तोरा मेरा से बोल बे। गया दर्शन करके बाबा बद्री विशाल जी के ब्रह्म मुहूर्त में, और खुले दर्शन जो शायद 2-3 बार पहले आने से भी नहीं हुए थे, और इस बार प्रभु कृपा हुई, महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे दर्शन प्राप्त हुए बद्री विशाल जी के, भगवान लक्ष्मी नारायण की।
आप सभी पे भी कृपा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ भगवान बद्रीनाथ के धाम पर, और सब पर कृपा बनी रहे। इसी तरह सब दर्शन करने आते रहें, आप सब खुश रहें, घर परिवार में सुख शांति रहे। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। अस्त्र शस्त्र नहीं, मुझे तो आप चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। चाहिए तेरा प्यार चाहिए, और ना कुछ सरकार चाहिए। तू चाहिए प्यार चाहिए, और सभी अपना अपना नाश्ता करके निकल रहे हैं। सबने नाश्ता लिया और साथ में पैक भी करा लिया रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ता लंबा है। ये देखो गाड़ियों पे नंबर डले हुए हैं, 80 गाड़ियां हमारे साथ आई थी, और अभी सब अपने अपने होटल से, धर्मशाला से, जिसकी जैसी व्यवस्था थी वहां से निकलकर अपना सामान पैक करके, नाश्ता करके अपना निकल रहे हैं सब लोग हरिद्वार की ओर। आज रात जिसका मन होगा हरिद्वार रुक सकता है, नहीं तो सीधा घर भी जा सकता है। वैसे काफ़ी लोगों की संख्या में लोग हरिद्वार भी रुकेंगे। ये सभी गाड़ियाँ श्री कृष्ण कृपा परिवार की खड़ी हुई हैं। करीब 600 से 700 लोग हम थे टोटल। बहुत सुंदर यात्रा रही, मंगलमय एकदम। कुछ लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों से भी हैं। ये सब गाड़ियाँ अपनी हैं, कुछ पीछे भी खड़ी हुई हैं, अभी कुछ पार्किंग में हैं अंदर धर्मशाला, जहाँ पे भोजन चल रहा है। और बस हम भी थोड़ी देर में भोजन करके निकलेंगे अपना सामान वगैरह लेके होटल से। देखिए सभी अपना निकल रहे हैं सब लोग। शैलेश जी कैसे परेशान खड़े हैं आप सामान लेकर, आदेश कीजिए। रास्ता देख रहे हैं भैया, कहाँ जाएं? रास्ता रास्ता पहाड़ से नीचे की ओर जाना है। अब बताइए, सब बढ़िया। ये सूर्य नारायण के दर्शन, पोहा, जय जय, ये पोहा और सैंडविच पैक होकर मिल रहा है अंदर, मिल रहा है पोहा सैंडविच जी, पैक करके भी ले जा रहे हैं। हाँ, लोग नहीं ले जाने, सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ले जा रहे हैं। हजार बार वंदना गणपति गणेश को, बार बार वंदना सीतापति राम को, पवन पुत्र हनुमान को, सीतापति राम पवन पुत्र हनुमान को, उमापति भगवान को, बार बार वंदना गणपति गणेश को, बार बार गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को, गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को, ओ प्यारे कृष्ण कन्हैया को, बार बार वंदना प्यारे कृष्ण कन्हैया को, बार बार वंदना हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, हरि नाम ही जीवन आधारा है, हरि नाम ही सच्चा सहारा है, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु प्रेम की गंगा बहाते हैं, गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं, गुरु गोविंद से मिलवाते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम। जय जय सीताराम। बद्रीनाथ जी से चलने के उपरांत हमने हनुमान चट्टी पे हनुमान चालीसा का पाठ किया,
दर्शन किए, सभी को बहुत आनंद आया, अच्छा लगा आप सबको। जोर से बोलो जय सीताराम, जय सीताराम, बोलो हनुमान बजरंग बली की जय। जय। ये हनुमान शक्ति मंदिर भगवान की जय। यहाँ दर्शन करना अति आवश्यक, बद्रीनाथ धाम की। ये वही मंदिर है जहाँ भीम का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था। जय जय सीताराम भगवान की। एक लंबी ड्राइव के बाद हम रुके हैं आगे मोहन जी पूरी वाले के यहाँ, इनका नया रेस्टोरेंट है। भूख लगी थी सबको, रास्ते में हम कहीं रुके नहीं, बहुत बढ़िया स्पीड से आ गए। आई थिंक सबसे पहले ही ना आए हो महाराज जी के बाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया हुआ, अंदर अभी घर वाले बैठे हुए हैं, अब जाएंगे अंदर खाएंगे कुछ डोसा वगैरह और फिर यहाँ से एक घंटे में घर पहुँच जाएंगे, यात्रा हो जाएगी संपन्न। और आनंद आ ही रहा है, आपको पता ही है दो तीन दिन से कितना। ये देख लो थोड़ा सा और कैसा है रेस्टोरेंट का, तो इट्स रियली वेरी नाइस। Thank you.